5 अगस्त को कोरिया में सैमसंग ने अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच का अनाउंसमेंट किया, गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2। एंड आज गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में जो न्यूयॉर्क में हो रहा है, हमें इस वॉच को देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि ये वॉच में क्या क्या मिलता है एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 दो वर्जन्स में आती है। ये है 44mm डायल और ये है 40mm डायल। एंड आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको डिस्प्ले साइजेस में भी डिफरेंस दिखेगा। इसमें आपको मिलता है 1.4 इंच का डिस्प्ले एंड इसमें आपको मिलता है 1.2 इंच का डिस्प्ले, लेकिन दोनों का रिजोल्यूशन सेम ही है, विच इज़ सर्कुलर डिस्प्ले होने की वजह से 360x360 पिक्सल्स। एंड अगर हम साइज़ की बात करें और थोड़े से वेट की बात करें तो दोनों ही वॉचेस बिल्कुल सिमिलर हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रैप जो है सिलिकॉन स्ट्रैप है, बिकॉज ये गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 है। ऑलवेज में आपको लेदर स्ट्रैप का भी ऑप्शन मिलता है। पीछे की तरफ इसमें हार्ट रेट सेंसर के साथ साथ और भी काफ़ी सेंसर्स हैं, क्योंकि सैमसंग जो इसको है आउट एंड आउट फिटनेस इंथुजियास्ट के लिए बना रहा है। तो चलिए इस वॉच को हम एक बार पहन के देखते हैं कि कैसा ये हाथ में पहनने में लगती है वॉच। एंड सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी कि इसका ये क्लास्प जो है, जो मतलब क्लास्प मैकेनिज्म है, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। आपको इसको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडजस्ट करने में साइज़ में, और ये चुभ नहीं रहा है। बाकी कई स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं या तो वो भारी होती हैं या उनका स्ट्रैप जो होता है थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, वैसा बिल्कुल केस नहीं है इसमें। एंड एक और ख़ास बात जो है, सैमसंग ने हमेशा ही अपने गैलेक्सी वॉच में एक रोटेटिंग बेजल्स का कॉन्सेप्ट निकाला है, बट उसको इसमें काफ़ी बेहतरीन बनाया है। वो बेहतरीन इस तरीके से बनाया है कि पहले जो रोटेटिंग बेजल सिर्फ बेजल का काम कर रही थी, अब वो डिस्प्ले का पार्ट है। आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड ये टच स्क्रीन की तरह है, बट आप इससे रोटेट कर सकते हैं एंड नेविगेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आई कैन सी ऑल दी एक्टिविटीज, आई कैन सी सेटिंग्स। अब मैं सेटिंग्स में भी जाता हूँ तो भी मैं इससे आप नेविगेट कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ये टच स्क्रीन है तो आप नॉर्मल तरीके से भी नेविगेट कर ही सकते हैं। तो थोड़े से इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो आपको ये छोटा डायल है, इसमें आपको ऑब्वियसली दोनों ही डिवाइसेस में टाइजन सॉफ्टवेयर मिलेगा जो वन यूआई पे आधारित है। आप देख सकते हैं कि दो बटन्स दिए गए हैं, इससे आप बैक कर सकते हैं और ये मेन्यू के लिए है। एक बार हम फिर से जाते हैं सेटिंग्स में, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता था कि बैटरी क्या मिलती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो 40mm डायल ऑप्शन में आपको 247mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि जो दूसरा वर्जन है 44mm डायल के साथ, इसमें आपको मिलती है 340mAh की बैटरी। अब एक बार निगाह डालते हैं कि एक्टिविटीज़ किस किस तरीके की हैं। तो रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, ये सब तो है। हार्ट रेट मॉनिटर है, एक बार फिर से हम इसको करके देखते हैं मेज़र। तो आपके सामने हार्ट रेट मेज़र हो रहा है, तो लेट्स सी कि क्या दिखाया जाता है। 117 बीट्स पर मिनट है, जो थोड़ा सा हायर देन एवरेज है, बट मे बी बिकॉज मैं इवेंट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दी बेस्ट वीडियोज टू यू पॉसिबल। ऑफकोर्स वॉच फेसेस को आप कन्फिगर कर सकते हैं, ये देखिए आप वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द वॉच फेस नाउ, सो प्रिटी गुड। हार्डवेयर की बात करें तो ये सैमसंग के एक्सिनॉस प्रोसेसर पर आधारित है, जो एक डुअल कोर चिपसेट है। एंड वो 760 MB रैम के साथ आता है एंड 4GB इंटरनल स्टोरेज है। तो मतलब एक नॉर्मल वॉच के लिए आप ऑफकोर्स इसमें अपने म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक LTE मॉडल भी है, जिसमें 1.5GB रैम मिलती है। LTE मॉडल का फ़ायदा ये है कि आप अपने फ़ोन को छोड़ सकते हैं घर पे ही, एंड वॉच आपको फिटनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ म्यूज़िक प्लेबैक जैसे पर्सनैलिटी को भी अलाउ करेगी। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 सितंबर में सेल पे जाएगी, लेकिन अभी ये देखना है कि ये भारतीय बाज़ार में कब तक आएगी। हम ज़रूर आपको 91 मोबाइल्स में इसके बारे में अपडेट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दिस इज़ नितान साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।